स्त्री विधाता की एक अनुपम कृति है। स्त्री को पता नहीं किस तरह से ईश्वर ने बनाया है कि उसमें दोष रखा ही नहीं है। पुरुषों में जरूर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली गाड़ियों को भी कंपनी वापस ले लेती है, लेकिन पुरुषों में जो डिफेक्ट रखे हैं उसका कुछ निदान हो नहीं सकता। उसके लिए ईश्वर ने शायद स्त्री को भेजा है कि उसके डिफेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाए। हमारी संस्कृति में भी स्त्री को शक्ति का रूप माना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भी माना है। ये प्रसंग इसलिए आ रहा है कि मैंने एक जगह पढ़ा कि त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, यानी स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य तो क्या चीज है। यहां मुझे लगा कि स्त्री के चरित्र के ऊपर हमारी संस्कृति में कैसे उंगली उठाई जा सकती है। ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो आधा अधूरा पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं। हमारे संसार में जितने झगड़े होते हैं, परिवार में जितने झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हम इस पूरे चीज में जाएं, एक पक्ष ना देखें, दोनों पक्ष देखें, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होगी ही नहीं। तो मैंने ये सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी इतनी महान संस्कृति स्त्री के बारे में ऐसी ऊंची बात कर कैसे सकती है। तब फिर मैंने ये श्लोक पूरा पढ़ा। मेरा मकसद ये है कि पूरे तह में जाइए, अगर कुछ भी होता है उसके तह में जरूर जाइए, सत्य ज्ञान के मोती निकाल के लाइए समुद्र में से। तो इसका अर्थ ये था, पूरा श्लोक ये है कि नृपस्य चित्तम, राजा के मन में क्या चल रहा है, कृपणस्य वित्तम, और कंजूस के धन का क्या होगा, और मनोरथम दुर्जन मानवानाम, और दुष्ट व्यक्तियों की इच्छा क्या है, और त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्य, और स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य तो क्या चीज है। अर्थात इस श्लोक के 80% भाग में तो पुरुष हो गए, अब आ गया 20% त्रिया चरित्रम। मैंने फिर सोचा चरित्र का मतलब क्या होता है, फिर देखा कि शोले पिक्चर में, शोले बड़ी जोरदार फिल्म थी, तो उस शोले फिल्म में बसंती का चरित्र किसने निभाया, श्रीमती हेमा मालिनी ने। क्वीन पिक्चर में क्वीन का चरित्र किसने निभाया, कंगना रानावत जी ने। तो मैंने सोचा फिर कि चरित्र का मतलब तो भूमिका है, तो ये श्लोक कितना सही कहा गया है कि स्त्री को कितनी नाना प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है, माँ की भूमिका, बेटी की भूमिका, सास की भूमिका, बहू की भूमिका, और कभी अब तो डॉक्टर की भूमिका, नर्स की भूमिका, सैनिक की भूमिका, और न जाने मेरे ख्याल से सैकड़ों तरह की भूमिकाएं उसको निभानी पड़ती है। इसलिए स्त्री का चरित्र अर्थात स्त्री कितनी तरह की भूमिका निभा सकती है, सफलतापूर्वक निभा सकती है, इसीलिए स्त्री का चरित्र के बारे में देवता भी नहीं जान सकते तो मनुष्य तो क्या चीज है। मैं सोचता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अवश्य पसंद आया होगा।